शारदा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, हिजाब को लेकर जो बवाल था उस पर अब पटाक्षेप हो गया है। हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि हिजाब अनिवार्य नहीं है। उन्होंने हाई कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि इस्लाम में हिजाब पहना अनिवार्य नहीं है, वो कोई महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा। यानी अब स्कूलों में जो विवाद शुरू हुआ था कि स्कूलों में हिजाब पर बैन नहीं लगाया जाए, स्कूलों में जो ड्रेस है उस पर छूट दी जाए और जो हिजाब पहन के आना चाहे उसे हिजाब पहन के आने दिया जाए, ये मामला लगभग 75 दिनों से कोर्ट में था, काफी बवाल हुआ पूरे देश भर में। लेकिन आज 15 मार्च को इस पर पटाक्षेप हुआ है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हिजाब अनिवार्य नहीं है। इस फैसले का क्या महत्व है, इस फैसले को किस रूप में देखा जाना चाहिए, इस फैसले का क्या असर हो सकता है भविष्य में और किस सकारात्मक दृष्टि से इसको लेना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं जीत धीर साहब, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के। हमारे साथ में मौजूद हैं मंजूर बेग साहब जो अध्यक्ष हैं सर्वधर्म संघ के, और हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष जोशी जी जो इंदौर जिला अध्यक्ष हैं आप पार्टी के। आप सभी का स्वागत करते हैं। में इस बीच कुछ और गेस्ट जुड़ते जाएंगे, हम उन्हें स्वागत करते जाएंगे, उनसे बातचीत करते जाएंगे, लेकिन शुरुआत आपसे करते हैं कि साहब आप करते हैं कि विवाद था क्या और अब कोर्ट का जो फैसला आया है ये क्या है, संक्षेप में बताना चाहेंगे। देखिए हिजाब जो है वो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जो हैं वो बच्चियों को पहना के स्कूल में पढ़ाई करने भेज रहे थे, जिससे उन बच्चियों को जो है दूसरे बच्चों के साथ में तालमेल करने में थोड़ा सा भेदभाव महसूस होता था। सबको समान दृष्टि से देखते हुए न्यायालय ने जो फैसला दिया है कि हिजाब जो है वो स्कूलों में बैन कर दिया है और सभी बच्चे हमारे लिए, यानी कि हमारे से मेरा तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म समुदाय से आते हो, उसको समान दृष्टिकोण से देखते हुए स्कूलों में सबको समान पढ़ाई करवाई जाती, उसी प्रकार से सबके समान जो है ड्रेस कोड में, जिस स्कूल की जो ड्रेसेस हैं उसमें जाए, इस प्रकार से कोई भी भेदभाव ना हो, बस यही अपेक्षा थी। और जिसको न्यायालय ने जो है आज जो अपना निर्णय दिया उसमें भी उन्होंने हिजाब के ऊपर बैन लगा दिया है कि स्कूलों में बच्चे जो है हिजाब नहीं पहनेंगे। हम न्यायालय के फैसले का बिल्कुल स्वागत करते हैं और जो न्यायालय ने फैसला दिया है वो हमारे लिए माननीय है। हिजाब के पक्ष में कुछ बातें कही गई थी, जो याचिकाएं आज लगाई गई थी, याचिकाएं हाई कोर्ट में, उसमें ये बात कही गई थी कि जब स्कूल में पगड़ी अनिवार्य है, कोई और व्यक्ति कुछ और पहनकर आता है तो अनिवार्य है, तो आखिर हिजाब क्यों नहीं। बहरहाल मंजूर बेग साहब, आप सर्वधर्म सभा के अध्यक्ष हैं, आप इस फैसले को किस रूप में देखते हैं? देखो समय पहला जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला का हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने एक बात और कही है उसमें कि इस्लाम में इसका कोई वो नहीं है, इस्लाम में पर्दा करना अनिवार्य है, इस्लाम में कुरान में ये लिखा है कि कोई महिला पर्दा करती है तो अच्छी बात है। रही बात स्कूल की, रही बात कॉलेजों की, तभी व्यवस्था है, शासन प्रशासन तय करता है। जो याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट में लगी थी उसका बड़ी गंभीरता से जो विचार विमर्श हुआ और उन्होंने इस पर स्कूल और कॉलेज में प्रतिबंध लगा दिया, हिजाब नहीं पहने, चलो कोई बात नहीं मुस्लिम नहीं पहने, लेकिन सभी धर्म के व्यक्तियों पर शासन ये निर्णय है कि जब एक समाज पर प्रतिबंध लगता है तो दूसरे समाज किसी प्रकार से भी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी व्यक्ति हो, इन व्यक्तियों का सामान्य करके और ये निर्णय होना चाहिए। हम हाईकोर्ट का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो व्यक्ति भी हाईकोर्ट का है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जाए, इसका अच्छा विचार होगा। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, समाज सम्मान करता है,
कोई भी समाज हो वह हमेशा न्याय का कभी भी विरोध नहीं करता। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो भी निर्णय हो देश के अंदर, भारत एक भाईचारे का देश है, इसमें सभी धर्म के लोग सामान्य रूप से रहते हैं, और सभी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई शैली है, चाहे राजस्थान पे जाओ, चाहे सिख समाज पे जाओ, चाहे ईसाई समाज पे जाओ, कहीं ना कहीं किसी की शैली है। ईसाई समाज में भी वो पहनते हैं स्कार्प, तो ऐसा कल आज स्कूल में हो गया, कल से दूसरी जगह होगा, कल से बोलेंगे रोड पे जा, तो निर्णय ऐसे हो जिससे आम पब्लिक पे जो बोल जाते हैं, अगर किसी प्रकार का विवाद रहा हो, किसी प्रकार से विवाद रहा हो कि किसी सांप्रदायिक सद्भावना का कुछ ठेस नहीं पहुंचे, मेरा निर्णय हाई कोर्ट का जो निर्णय है हम इसका स्वागत करते हैं, शासन प्रशासन की हर बात का स्वागत करते हैं, लेकिन निर्णय जब भी लिया जाए सभी धर्मों के मंजीर भाई साहब, आपने ये कहा है कि आप ये अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, यानी कि आप हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं? हाई कोर्ट की बात भाई, अपने देश का भारत में ये निर्णय है कि भाई आदमी नीचे की कोर्ट जाता है, सेशन जाता है, सेशन के बाद हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के बाद आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता है। जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति हाई कोर्ट गया है तो उसके लिए खुला रास्ता है, ऐसा हाई कोर्ट ने नहीं किया तो आज ही सब खत्म हो गया, उनके लिए रास्ता है। अगर उनसे मैं अनुरोध करूंगा, कभी उनको ऐसा लगता है कि निर्णय गलत हुआ तो वो लोग हाईकोर्ट जा सकते हैं। देखिए एक छोटा सा सवाल है, देखिए महिलाओं के ऊपर क्यों उनकी बात करते हैं आप? पुरुषों को दिन भर बोलिए कि टोपी पहन के रखें, अपने काम पर जाएं तब भी टोपी पहन के रहें, घर के बाहर निकले तब भी टोपी पहन कर रहे हैं। देखिए जिन लोगों को ये जिन लोगों को लगता है आप गलत बोल रहा है, जिन लोगों को लगता है टोपी पहनते हैं सोते हैं, टोपी उठाते हैं, टोपी उठाते हैं, बिजनेस करते हैं, अपनी अपनी ये दिन का मजबूत है। हमारे साथ में हमारे जो और राज जुड़ गई है, मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी की, और हमारे साथ में श्रियंका जैन, डॉक्टर श्रियंका सक्सेना जी जुड़ गई है। खैर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन डॉक्टर पीयूष जोशी आपसे बात भी करना चाहूंगा, जो आपने बात सुनी इस वक्त जो मंजूर बेग साहब कह रहे हैं, गिद्धी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि मंजूर बेग साहब जो कह रहे हैं वो बहुत नापतोल के कह रहे हैं, कहीं कुछ और कहना चाह रहे हैं लेकिन निशाना कहीं और है? सबसे पहले तो धन्यवाद ये डिबेट करने के लिए, पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 21वीं शताब्दी के भारत में हमें ये डिबेट्स करना चाहिए, और ये नॉन इश्यूज, मैं इसको एक नॉन इश्यू मानता हूँ, ये नॉन इश्यू को पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये नॉन इश्यू को पैदा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय पे जब ये इश्यू बढ़ाया गया था, जब ये मुद्दा उछाला गया था उत्तर प्रदेश के चुनाव से, और जो पोलराइजेशन की राजनीति है, जो संप्रदायवाद की राजनीति है, वो करे बगैर कोई भी चुनाव इस देश में जीता नहीं जाता, ऐसा भाजपा का मानना है, इसलिए ये मुद्दे जो है ये नॉन इश्यूज को उठाया जाता है। इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ, इशू ये है कि कर्नाटक के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें 55% से ज्यादा विद्यालयों के अंदर टॉयलेट्स तक नहीं है, 30,000 के लगभग सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पे है, जिसको मर्जर का नाम देके वो बंद कर रहे हैं। कर्नाटक के चाहे वो किसी भी कांग्रेस के नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, पूरे शिक्षा माफिया बनकर एक तरीके से सारे शिक्षा इंस्टीट्यूट पे उनका राज चल रहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, प्राइवेट स्कूल हो, वो सब इनके नेता चला रहे हैं। 50% से ज्यादा जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं वो प्राइवेट स्कूलों को प्रेफर कर रहे हैं और सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं, ये रियल मुद्दे हैं। ये सब मुद्दों को छोड़ के 21वीं सदी के भारत के बच्चों को हम इसमें उलझाएं कि बेटा देखो क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, तेरा ध्यान इस पे रहे, तेरा ध्यान इस पे नहीं रहे कि तू जब विद्यालय जाए तो क्या सीखेगी या क्या नहीं सीखेगी। तो ये जो मुद्दे हैं, जो धार्मिकीकरण, जो संप्रदायवाद जो शिक्षा में डाला जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि कोई बच्चा है वो पगड़ी पहन के आना है, यदि किसी बच्चे को सर बांध कर आना है, यदि किसी बच्चे को रिबन लगाना है, किसी बच्चे को वो करना है, ये ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म की पॉलिसी, ये सारी चीजें हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आप मुझे बताइए, मैं जिस स्कूल से पढ़ा था तो उसमें अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, हम लोग प्रार्थना करते थे, सरस्वती वंदना करते थे। तो हमारा ये कहना है, मेरे साथ में मेरे मुसलमान छात्र, मेरे भाई भी पढ़ते थे, उन्होंने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि हम सरस्वती वंदना या वैष्णव जन क्यों गाए।
तो मेरा ये जो भारत है, इस भारत को एक रहने दीजिए। जो चीज जिस चीज के लिए विद्यालयों का निर्माण किया गया, विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया है, उन चीजों के बारे में हम बात करें। हमारे अपने मध्य प्रदेश में 90% से ज्यादा स्कूलों के अंदर नल का पानी नहीं आता, एक नल का सप्लाई 40% विद्यालय जो बिना बिजली के हैं। नहीं, मेरा ये कहना ही नहीं है कि हिजाब पर बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना ये मुद्दा ही नहीं है, इसको मुद्दा ही नहीं बनाना चाहिए। ये जो धार्मिकीकरण संप्रदायवाद जो फैलाने का तरीका जो पैदा किया गया है, ताकि हर चीज को हम एक नॉन इशू को इशू बनाए। 10 बच्चियां हिजाब पहन के चली जाएंगी तो कौन सा पहाड़ आ जाएगा, या ना पहन के जाएंगी तो कौन सा पहाड़ आ जाएगा। जी आप जो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल सही है कि अगर हिजाब पहन के आती है तो कोई समस्या नहीं। बहरहाल श्रियंका सक्सेना जी मौजूद है, डॉक्टर श्रियंका जी। श्रियंका जी, आप इस मसले पर जो पीयूष जी कह रहे हैं कि कोई बड़ा बवाल नहीं हो जाएगा, कोई तूफान नहीं आ जाएगा, 10 बच्चियां जो है हिजाब पहनकर आ जाती हैं, आप क्या कहते हैं? सर, मेरा ऐसा कहते हैं, मेरे हिसाब से एक डिसिप्लिन में लेके हम देखें, हम इसको किसी भी चीज का मुद्दा नहीं, हमारी दिनचर्या होती है, हम उस चीज को अलग से इतना इशू क्रिएट करना ही नहीं चाहिए हमको। श्रियंका जी, क्या लगता है आपको, श्रियंका जी क्या कहना चाह रही है? जी, बाकी इसको मतलब किसी भी तरीके के इश्यूज बनाने से मेरे को नहीं लगता है। आप भी सहमत है, इश्यू नहीं बनना चाहिए बिंदा जी, इश्यू नहीं बनना चाहिए। हालांकि क्योंकि मामला जब सामने आता है, समाज में आता है, कोर्ट पहुंचता है, तो इश्यू तो बन ही जाता है उस पर, क्योंकि चर्चा तो फिर करनी ही होती है, क्योंकि जब तक चर्चा नहीं होगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। बिंदा जी क्या कहती है इस पूरे मुद्दे पर? कर्नाटक को हाईकोर्ट ने बैन लगा दिया है, फिर से बैन कर दिया है, उन्हें ये साफ कहा है कि आप स्कूल की जो ड्रेसेस हैं उस स्कूल के नियम उसका पालन करना होगा। इस कई अखबारों में एक हेडलाइन भी छपी है इस तरह की, मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि लड़कियां हार गईं। क्या आपको लगता है कि लड़कियों की हार की तरफ देखा जाना चाहिए पूरे फैसले? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ एक दुनिया का सबसे बृहत रूप से लिखा गया संविधान मौजूद है, हमारे पास अपना एक सबसे एलैबोरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में सबको समानता का अधिकार दिया गया है, और उस समानता के अधिकार के अलावा भी अनेकों अनेक प्रोविजंस दिए गए हैं। आज जो जजमेंट आया है वो भी उन्हीं प्रोविजंस को देखकर, उन्हें मद्देनजर रख के कोर्ट ने अपने पूरे 5 पैरामीटर्स, 5 टेस्ट डिफाइन किए, जिसके बिना पर उन्होंने तोल मोल के इस पूरे मुद्दे को कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में देखा और उसके बाद अपनी एक जजमेंट दी। हमें कोर्ट की जजमेंट का सम्मान करना इसलिए जरूरी है कि देखिए, हम सब एक परिवार है, पूरा भारत एक परिवार है, और परिवार में ऊंच नीच, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन हमारे बड़े जब बैठकर कोई डिसीजन लेते हैं तो हम उसे मानते हैं। वैसे ही कोर्ट हमारे देश में एक संस्था है जिसके पास ये अधिकार सुरक्षित है कि वो अगर ऐसा कोई भी मसला होता है तो उस पर एक फैसला दे, और कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें एक समझाइश दी गई है और एक फैसला सुनाया गया है। मुझे लगता है हमें बिना कोई प्रेजुडिस किए कि कौन हार गया, कौन जीत गया, कौन सही है, कौन गलत है, क्या होना चाहिए था या क्या नहीं होना चाहिए था, हमें इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि क्या होना चाहिए या नहीं, या इस देश के लिए क्या सही है और अच्छा है, या संविधान ने क्या कहा है, ये कोर्ट से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और मुझे लगता है हमें उसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए बिना ये सोचे कि किसी की हार है या किसी की जीत। अच्छी बात कह रही हैं आप। डॉक्टर ऋषिकेश नाथू जी, आपसे पूछना चाहूंगा, हाईकोर्ट से अपनी बात कह रही है, लेकिन जैसा कि मंजूर बेग साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, आप जा सकते हैं, आपको लगता है कि मामला अभी थमने वाला नहीं है? जिस तरह से बात हो रही है वो बात आगे बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल, मंजूर जी से बात की बात सुनने के बाद तो मुझे यही लग रहा है कि उन्होंने एक तरीके से इशारा तो कर ही दिया है कि भले हाईकोर्ट ने कुछ भी कहा हो, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम लड़कियों को हिजाब पहनाएंगे। मैं बताना चाहूंगी कि किसी भी वर्ग की लड़कियां जो वहां पर स्कूल में जाती हैं, स्कूल का ड्रेस कोड इसीलिए बनाया जाता है ताकि हर बच्चे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो एक जैसे नजर आए, एक जैसा ड्रेस कोड होता है ताकि उनमें समानता की भावना डेवलप हो सके। अगर इस बात के लिए हम अगर अपने आप को पूरे ग्रुप से अलग मानकर कुछ अलग करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। कपड़ों से हम अलग नहीं
नहीं हो सकते। हमें अगर अपनी विचारधाराओं में हमारे बच्चों को एक जैसा पढ़ाना है, एक जैसा शिक्षण देना है, समानता की बात करनी है, तो समान ड्रेस कोड को लागू किया गया है और उसी को हाई कोर्ट ने अप्रूव किया है। हाई कोर्ट के अप्रूव करने के बाद अगर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और फिजूल बातों में पड़ रहे हैं। अगर ड्रेस कोड की बात की गई, अगर हम ऐसी बात करते हैं तो हमारे यहाँ भी लड़कियां चूड़ियां पहनती थी, हमारे यहाँ पे भी अंगूठियां पहनती थी, हमारे भी देश के हिसाब से हमारे यहाँ पायल पहनती थी, लेकिन वो सारी चीजें उन्होंने भी बंद कर दी है। लेकिन उसको उसको चूंकि हमने उसका हल्ला नहीं किया, चूंकि हिंदू समाज ने उसका हल्ला नहीं किया, इसी आज आपने उसको एज इट इज सर मेरा कहना ये है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कई चीजें आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो लड़कियां बिंदी नहीं लगा सकती सर, बिंदी नहीं लगा की जा सकती। तो हमें जिस स्कूल में पढ़ना है तो उसके नियम कानून कायदे को मानना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, स्कूल में जब हम जाते हैं दुनिया का चेहरा देख रही है भाई साहब। जी मेरा खेल खेलने का मना नहीं करता, भाजप सबका अपना अधिकार है भारत में। सर अधिकार का सवाल नहीं है सर, एक शब्द है वार्ड, WARD। अगर आप स्कूल की जिस भी दिन आप डायरी बनेंगे स्कूल डायरी, उसमें स्कूल को लिखा जाता है या वार्ड लिखा जाता है। वार्ड का मतलब ये कि आप हमने अपना बच्चा जो है अब उनके हवाले कर दिया, मतलब वो वार्ड हो गया। वार्ड को ऐसा करना है, वार्ड को ऐसा करना है, ऐसी तमाम चीज लिखी गई है। तो वार्ड का मतलब ये होता है कि अब वो स्टूडेंट है और अब वो शिष्य है और शिष्य जो है वो स्कूल के अनुसार बर्ताव करेगा। मंजू साहब इस थोड़ा सा इस विषय को अपन विस्तार कर लेते हैं, क्योंकि निशीना जी प्रोफेसर हैं, वो बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाती भी हैं, विशेष जरूरी जाती हैं। निशीना जी, कहीं आपको लगा इस पूरे 75 दिन में इस हिजाब का जो असर है वो कहीं किसी कॉलेजेस में पड़ा आपके आसपास जो कॉलेजेस हैं निशीना जी, क्या आपको लगा कि जो बच्चियां मुस्लिम बच्चियां पढ़ती हैं, हिंदू बच्चियां पढ़ती हैं, सिख भी पढ़ती हैं, ईसाई पढ़ती हैं, कहीं उनके मन में कोई अवनष्टा भाव पैदा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारी बच्चियां हैं, वो यहाँ आती हैं, हिजाब पहन के भी आती हैं तो भी हमारी बच्चियां हैं, हिजाब नहीं पहन के आती तो भी हमारी बच्चियां हैं, क्योंकि हम यहाँ पर गुरु के रूप में बैठे हैं। इसमें ना हम धर्म देखते हैं, ना जात पात देखते हैं, ना उनके दिमाग में कोई बात है। और ये बातें जो है बेसिकली हम इन चीजों को नहीं मानना चाहते हैं, इसलिए हम इसका ऊपर इतना विवाद करें। उन छोटी बच्चियों को कोई लेना देना नहीं है उस बात से। और मैंने ये देखा है, मैं कॉलेजेस में पढ़ाती हूँ, मेरे को आज 28 साल हो गए पढ़ाते हुए, उन बच्चियों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं, वो यहाँ आती है, पढ़ती है और अपने घर जाती है। देखिए, आपके समाज में बुर्का पर्दा चादर और हिजाब, ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। तो आप अपने जब समुदाय में मूव करते हैं, आप करिए ना, आपको जितना हिजाब पहनवाना है पहनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सरेआम घूम रहे हैं उसमें आप हिजाब पहन रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्कूल की बात हो रही है, कॉलेज की बात हो रही है, कई कॉलेजेस स्कूल ड्रेस की तरह कॉलेज ड्रेस होते हैं। ये सालों से क्यों हो रही है, आज क्यों इसकी इस बातों से देश की स्थिति गंभीर होती है, नए बच्चों में गलत धारणा पैदा होती है। अंजुल भाई साहब, मैं आप ही की बात बढ़ाना चाह रहा हूँ, घी जी आवाज आ रही है आपको? घी साहब जी जी बताए घी जी साहब से बताना चाहूंगा। घी साहब, आपको लगता है और रिंदा जी आपको भी लगता है कि कहीं वाकई एक स्कूल में ऐसा हुआ, कर्नाटक के स्कूल में ऐसा हुआ और वो कमोबेश पूरे देश के लिए बहस का मुद्दा बन गया, तो क्या आपको वाकई लगता है जैसा आपने इसने जब बात की उन्होंने कहा किसी कॉलेज में ऐसी अवनष्टा नहीं है, हिंदू मुस्लिम बच्चियों में बड़ी बड़ी प्रेम से रहते हैं, प्रोफेसर के बनने से कोई बात नहीं है, कहीं आपको लगता है कि वाकई किसी एक दो स्कूल में ऐसा हुआ और ये पूरी हवा पूरे देश में चल पड़ी और इसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग बहस में शामिल हो गए? आपको लगता है कि वो 3-4 स्कूल यदि नहीं करते उस वक्त ये प्रोटेस्ट विरोध, तो शायद ये मुद्दा इस ढंग से गहराता नहीं? जी साहब देखिए, बच्चियों के लिए बच्चियों के हित की बात है ये, और जब बच्चियों के हित की बात आएगी तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते सबको, मैं बोलता हूँ कि सबको, ना केवल किसी पार्टी को, ना केवल किसी समुदाय विशेष को। देखिए अभी बेग साहब क्या टोपी पहनकर बैठे हैं, हम घर में एक जानवर पालते हैं उसको गले में पट्टा बांध के रखते हैं, उसी प्रकार से आप हिजाब के अंदर बंद करके रखते हैं।
आप देखिए आपका मजहब जिस चीज को कहीं लिखित में नहीं दिखाता, हिजाब की बात अगर आपके इस्लाम में कहीं लिखी है तो आप उसको दिखाइए, हम मानते हैं। आपने पगड़ी की बात करी, मैं स्वयं पंजाबी समाज से आता हूँ, देखिए पक्की बात वहां आती है जहां धर्म ने लिखा हुआ है। आप अपने धर्म की किताब जिसको आप मानते हैं इस्लाम में आप दिखा दीजिए कि कहां लिखा है हिजाब। तो आप महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार क्यों करते हैं? आप खुद क्यों नहीं टोपी पहन के बैठते? आप जितने मुसलमान मर्द हैं वो छोटा पजामा पहनकर आए और टोपी पहनकर घूमे, वहां क्यों नहीं बात करते? और हम तो केवल स्कूल की बात कर रहे हैं। क्या शिक्षा कर रहा है श्रीमान जी? आप गलत बात कर रहे हैं। ताजमहल देश देख रहा है, टोपी पहनना अनिवार्य नहीं है। किसी भी धार्मिक काम में ये नहीं करेगा हम टोपी पहनेंगे। मेरी मर्जी से हर कोई टोपी पहनने दूसरी बार बात नहीं। कोई भी पक्ष या कोई भी समाज अपना अपना है, अपना अपना पक्ष। इस समाज चाहे तो है ना, इस समाज चाहे मर्जी वाले बिना पगड़ी वाले भी रहते हैं। मुस्लिम समाज में कुछ महिलाएं हिजाब पहनती हैं, कुछ नहीं पहनती हैं, इसका क्या कारण मानते हैं? कारण ये है, समाज में अनिवार्यता नहीं है कि आपको हिजाब पहनना है या बुरखा पहनना है या अनिवार्य नहीं है। मैं पहला भी आपके चैनल पे बहस में था, उसमें मैंने बताया आपको। ये तो मेरा मतलब है, आज आप ये बात हिजाब की कर रहे हो, इससे पहला तो क्या होता है कि परिवार ऐसा रहता है जिसमें नाखून भी नहीं देख सकते आप औरत के, आपके अलावा पंजे नहीं देख सकते, घुटने तक तो नहीं देख सकते। ये अपनी उसके शरीर की रक्षा करना या उसके परिवार जो पूरा परदादा का जो परिवार आ रहा है, परदादा के परिवार आ रहा है उनके वहां हिजाब, हमारे परिवार में नहीं पहनते। चलिए आप अच्छी बात कह रहे हैं कि आपके परिवार में नहीं पहनते, वो अच्छी बात आप कह रहे हैं। मैं क्योंकि समय कम है इससे क्लोज करना चाहूंगा। विनीता जी आपसे बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, वो महिलाएं जो अपना चेहरा ढक कर रखती हैं, सड़क पर चलती हैं, और वो महिलाएं जो अपना चेहरा खुला रखती हैं, आपको लगता है कि कहीं कोई अंतर है उन दोनों के बीच में? जो ढक्कर चेहरा चल रही है, वो चाहे हिजाब पहन रही है चाहे घूंघट पहन रही है, उनमें और जो खुले मुंह से चल रही है उनकी जो मानसिक अवस्था है, क्या उसमें आप अंतर पाती है? जी उनमें बिल्कुल है। देखिए मैं अपना मुंह ढककर चल रही हूँ कि मुझे डस्ट से बचना है, मैं अपना मुंह ढककर चल रही हूँ कि मुझे सनलाइट से बचना है, ये एक 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 ऑप्शन। लेकिन मैं आउट ऑफ माय रिलीजियस प्रैक्टिस अपना मुंह कवर करके चल रही हूँ, तो मैं ये प्री हैंडेडली पहले से ये मानकर चल रही हूँ ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे छुपा कर चलना है, ये कुछ ऐसा है कंडीशन है, इसको नहीं दिखा देना है, इसे शो ऑफ नहीं करना है। एक अलग सा प्रेशर, एक अलग सा दबाव मेरे दिमाग पे मनोमस्तिष्क पे पहले से। लेकिन 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 वो महिलाएं जो खुद जानबूझ कर चल रही है उनके लिए क्या कहती है आप जा पहन के चल रही है? मैं आपसे मैंने यही कहा, ये एक ऑप्शन वाली बात है। यूं आप इंदौर की सड़कों पर सैकड़ों लड़कियों को स्कूटी गाड़ियां चलाते हुए देखते होंगे, वो भी अपना मुंह ढककर चलती हैं, उन्हें सनलाइट से बचना है, उन्हें धूल मिट्टी से बचना है। लेकिन मुझे ये रिलीजियस प्रैक्टिस का लबादा पहनना ही है, मैं इसे लबादा भी नहीं कहूंगी, मुझे ये ओढ़न पहननी ही है और मैं इसे खुद की इच्छा से पहन रही हूँ। बहुत फर्क है जब मैं ये कहूँ कि मैं खुद की इच्छा से पहन रही हूँ, और बहुत फर्क है जब मैं कहूँ कि मुझे ये कहने के लिए या तो मैं मजबूर हूँ कि हाँ मैं ये अपनी इच्छा से पहन रही हूँ। देखिए जहाँ मैं कंडीशन्ड हूँ, जहाँ मैं कंडीशन्ड हूँ, नहीं जहाँ नियम लागू हो रहे हैं सर कि ये तो पहनना जरूरी है, चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो। अब आप देखिए 45 डिग्री के अंदर अगर वो लड़कियां हिजाब पहनती होंगी, उनके बालों की क्या हाल होता होगा, पसीने का क्या हाल होता होगा, हाइजीनिकली वो सही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। हमारे देश के हिसाब से उन चीजों को मैनेज किया जाना चाहिए। समय समय चुकी कम है, आप सभी हमसे जुड़े, और आज के बहस का मुद्दा भी यही था कि आखिर हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। बहरहाल हमको विचार करना होगा कि जो महिलाएं बुर्का पहनकर चलती हैं, जो कपड़ा पहनकर चलती हैं, और जो महिलाएं खुले मुंह से चलती हैं, क्या उनकी मानसिक अवस्था में कोई फर्क पड़ता है? क्या महिलाएं जानबूझकर चलती हैं? क्या वो कंडीशन तो नहीं हो गई है? क्या वो उस सोच से प्रभावित तो नहीं हो गई है? क्या वो खुले रूप से सोच पा रहे हैं या नहीं? बहरहाल ये बहुत बड़े बहस का हिस्सा है, लेकिन बहुत जरूरत यह है कि महिलाओं को अब स्वतंत्र रूप से सोचने की आवश्यकता है। मुद्दा हाईकोर्ट ने तय कर दिया है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट जाता है, क्या ये मुद्दा अभी और आगे बढ़ता है, इस पर तो निश्चित रूप से समय बताएगा। लेकिन ये तय है कि हमें बहस करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम खुले
दिमाग से खुले विचारों के साथ में इस पर बातचीत करें और महिलाओं को एक स्वतंत्र माहौल दें, एक अच्छा परिवेश, एक अच्छा व्यवहार हम पैदा करें अपने समाज में। आप सब हमारे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद आपके लिए। आप देखते रहिए साधा न्यूज़। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।